लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस और उन्होंने भरा बलविंदर सिंह बैंस वालों अमृतसर तो चंडीगढ़ के लिए एक रोस रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य मकसद पंजाब किसान बचाओ पंजाब बचाओ के नाम से होका देना सी। उत्थे नाल ही उन्होंने केंद्र सरकार अते पंजाब सरकार वालों लगातार किसान मारू नीतियां बनाईया जा रही हैं, इस पर भी रोस व्यक्त किया। इस दे नाल ही उन्होंने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि उन्हां वालों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक मंग पत्र दिता जाएगा, जिस दे विच लिखा गया है कि पंजाब दे विच किसानी नूं बचाया जा सके उत्थे ही सिमरजीत सिंह बैंस वालों पंजाब दे हित दे लई लगातार नारेबाजी भी की गई अते कहा कि पंजाब दे हित दे लई जदों तक भी आवाज़ उन्हां नूं चुकण दी जरूरत पई उह जरूर चुकणगे। अफसोस हो गया कि जिहड़ा भारतीय संविधान दे आर्टिकल 7वें शड्यूल की 14वीं एंट्री खेती के उत्ते कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सूबा सरकार को केंद्र को नहीं, डाका वज गया। उस डाके का मतलब आ कि किसान की जिनस एम एस पी का रौला पाँदे पाई जान, एम एस पी अनुसार कदे मक्की नहीं विकी कदे दाला नहीं विकिया, एम एस पी रहेगी पर किसान की जिनस जी 2000 रुपये क्विंटल वाली कणक अगली बार 1400-1500 बिकेगी। दो दो तीन तीन साल अडानी वर्गे कारपोरेट जिन्होंने 2500-2500 एकड़ मकैनिकल खरीद केंद्र फिरोजपुर डगरू के स्थापित कर लए, ये दो दो तीन तीन साल पेमेंट नहीं कर रही है किसानों। जो सरकार च एड्डी ताकत आ तो गन्ना प्राइवेट मिलों तो पैसे क्यों नहीं दवा सकती? प्राइवेट मिल मालक बनाम अडानी, अडानिया तो पैसे दवा देंगे, ये दो तीन साल पैसे नहीं देंगे। किसान 75% के करीब छोटा तो मध्य वर्गी बैंकों के कोल गिरवी पईयां जमीन जायदादां कुरकियां दोस्त होणगियां, ये नैक्सस कारपोरेट के बैंकों का किसानों दीआं जमीनां कुरकियां के जरिए कौडियां भा खरीद के किसान नूं जमीन रहत करन दा ये खुफिया रस्ता ऑर्डीनेंस है। मौजूदा सरकार तो असल दे विच राजनीति कर रही है, जन अंदोलन कांग्रेस वाले थानू जन अंदोलन की लोड़ आ तुहाडे कोल, स्पष्ट नहीं गोल्डन स्पष्ट बहुमत आ। साडी डिमांड असी 5वें दिन मुख्यमंत्री नूं मंग पत्र यही देना कि भाई तुसीं विधानसभा का सैशन कॉल करो, इस काले कानून का फातिया पढ़ो, बहुसंमति दे नाल इहनूं रद्द करके केंद्र नूं